हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। लेट ए इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड बी इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू जीरो वन माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। देन द वैल्यू ऑफ समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन, समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन ए टू द पावर आर बी टू द पावर एन माइनस आर। ये हमें एन तक सम फाइंड करना है। ओके, पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए हमें गिवन है मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए इस वैल्यू का हमें मिनिमम चाहिए। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर अगर हम बना ले, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स थ्री को हम लिख सकते हैं प्लस वन प्लस टू। ये वैल्यू हमारी क्या बनेगी, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू। अब देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन निगेटिव होता है, मतलब ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगी। प्लस टू भी है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये जो स्क्वायर है ये मिनिमम आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो से छोटा तो ना कभी भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स कुछ भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो इधर पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी किसी केस में, और प्लस में टू है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये जो स्क्वायर में वैल्यू लिखी है मिनिमम होगी, क्योंकि प्लस टू तो कॉन्स्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये जीरो हो रहा होगा स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आएगी, टू। ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, टू। जब ये स्क्वायर हमारा जीरो हो जाएगा उस केस में मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी टू। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आप वाई इक्वल टू लें इसको फंक्शन को, ये आपका वाई इक्वल टू है एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू, इसको आप लेंगे वाई माइनस टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। देखिए पैराबोला टाइप का बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला आपका बनेगा, जिसका वर्टेक्स आपका क्या होगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन है एंड वाई की वैल्यू प्लस टू है, तो ये आपका कुछ ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ओके, देखिए एक्स की वैल्यू माइनस वन के लिए वाई की वैल्यू आपकी क्या रही है, प्लस टू, तो ये पॉइंट होगा आपका माइनस वन प्लस टू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू देखिए क्या आ रही है, इस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम है, ये हमारी टू वैल्यू है, बाकी तो सारी वैल्यू टू से बड़ी बड़ी है, इससे ऊपर है, यहाँ से भी आप बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू टू है। तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, टू। अब बी हम फाइंड करते हैं, बी हमारा क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो वन माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। तो देखिए लिमिट फाइंड करने के लिए अगर आप जीरो पुट करेंगे थीटा को डायरेक्टली, तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे एलोपिटल रूल यूज करेंगे आप। एलोपिटल रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव टू थीटा। देखिए वन बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, ये वन बाई टू बाहर आएगा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा। इसकी वैल्यू हमारी किसको टेंड होती है, जब थीटा जीरो को टेंड होता है, ये वैल्यू वन को टेंड करती है हमेशा। दैट मीन्स लिमिट हमारी क्या आ गई, वन बाई टू। बी की वैल्यू हमारी आई है वन बाई टू, ए हमारा है टू। हमें सम फाइंड करना है, ये समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन ए टू द पावर आर बी टू द पावर एन माइनस आर। देखिए समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन ए टू द पावर आर इन टू बी टू द पावर एन माइनस आर इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन, ए हमारा क्या आया था टू, टू टू द पावर आर, बी आया हमारा वन बाई टू, वन बाई टू टू द पावर एन माइनस आर। ओके, अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन, ये टू टू द पावर आर है, ये वन अपॉन टू टू द पावर एन माइनस आर। देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, टू टू द पावर एन को अलग, टू टू द पावर माइनस आर को अलग। समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन टू टू द पावर आर इंटू वन अपॉन टू टू द पावर एन इंटू टू टू द पावर माइनस आर। देखिए समेशन तो हमारा आर पे अप्लाई हो रहा है, आर वेरी कर रहा है, तो ये एन वाली जो टर्म है, टू टू द पावर एन वाली टर्म है, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। वन अपॉन टू टू द पावर माइनस आर, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगी पावर, दैट इज इसको, ये वन अपॉन टू टू द पावर एन तो हमारा बाहर आएगा, और ये वन अपॉन माइनस टू टू द पावर माइनस आर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट इज टू टू द पावर आर इंटू टू टू द पावर आर हो जाएगा। ये सम हमारा कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वन अपॉन टू टू द पावर एन तो एज इट इज, सम आर इक्वल टू जीरो टू एन, इसको लिख सकते हैं टू टू द पावर टू आर, आर प्लस आर टू आर। अब देखिए सम फाइंड करते हैं, वन अपॉन टू टू द पावर एन, ये सम हमारा कहाँ से आएगा, आर इक्वल टू जीरो से एन तक, जीरो पुट करेंगे तो टू की पावर जीरो वन, प्लस आर को वन पुट करेंगे तो ये आएगा टू स्क्वायर, देन आर को टू पुट करेंगे टू की पावर फोर, आर को थ्री पुट करेंगे टू की पावर सिक्स, प्लस अप टू सेवन, ये आएगा हमारा आर टू की पावर टू एन तक समाएगा। देखिए जी पी हमारी एक फॉर्म हो रही है,
यहाँ पे हमारा कॉमन रेशियो क्या है, टू स्क्वायर, हर एक टर्म में टू स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एन टर्म्स है आपकी, एन टर्म्स है प्लस वन है, दैट मीन्स एन प्लस वन टर्म्स है टोटल। तो जी पी का सम हमारा क्या होता है, सम ऑफ जी पी हमारा क्या होता है, देखिए ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सोन एन टर्म्स तक अगर सम करते हैं ना हम जी पी का, इसका फॉर्मूला हमारा होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर एन टर्म्स का सम कर रहे हैं, बट हम कितने टर्म्स का सम कर रहे हैं, एन प्लस वन टर्म्स का, दैट इज ये क्या आएगा, ये आएगा ए मतलब फर्स्ट टर्म तो हमारी वन ही है, इंटू आर टू द पावर एन प्लस वन आएगा, आर हमारा कॉमन रेशियो हमारा क्या है टू स्क्वायर, दैट इज टू स्क्वायर टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, आर हमारा है टू स्क्वायर माइनस वन। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन टू टू द पावर एन इंटू, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, फोर टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर आएगा फोर, फोर माइनस वन थ्री, दिस विल बी समेशन आर इक्वल टू जीरो टू वन ए टू द पावर आर बी टू द पावर एन माइनस आर, दैट इज फोर टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू टू द पावर एन, ये हमारा सम आया है। ओके देखिए ऑप्शन मैच करते हैं, थर्ड ऑप्शन देखिए फोर टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन थ्री इंटू टू टू द पावर एन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन, थैंक यू।